अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पख्तून कल्चर में जो दुम्बा की कढ़ाई बनती है ना, वो कैसे बनती है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल इसको स्पाइसेस के बग़ैर बनाते हैं और ओरिजिनल फ्लेवर के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने दुम्बे का जो गोश्त है ना, वो धो के तो मैंने कुकर में डाल दिया, और उसके अलावा इसके ऊपर मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट डाला और कुछ भी नहीं डाला। और इसे मैं प्रेशर देती हूँ कि जब प्रेशर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको 10 मिनट्स तक पकाते रहना है। और इसको विदाउट स्पाइसेस बनाना है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रेशर खोलने के बाद जो मीट है वो टेंडर हो चुका है, नीचे यखनी भी बन चुकी है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में डाल दिया था ये नीट, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा गलने देंगे। और सॉल्ट तो मैं पहले डाल चुकी थी, तो अब मैं सिर्फ इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। आपने सिर्फ धनिया पाउडर डालना है और सॉल्ट डालना है, और आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो उसके बाद जो है ना, वो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाली है, और इसको अब आपने पकाते रहना है तब तक जब तक टमाटर गल नहीं जाते। और अगर आपको इसमें यखनी चाहिए तो जो मीट की यखनी थी ना वो बच गई थी, तो वो मैंने डाल दी है एज अ ग्रेवी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।